चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं मंदिर ही जा रही हूँ भगवान से प्रार्थना करने। ये जगह कुछ जानी पहचानी लग रही है। सारे सबूत आपके खिलाफ है और जिसने आप पर केस डाला है ना, वो खुद गवाही देने आ रहा है कि रियल संपत्ति आपने चुराई है। आपका बच्चा नामुमकिन है। हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकते। आप अपनी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लीजिए। बोलिए, यहाँ पर चौक किस तरफ है? आप इस गली से जाइए, आगे ही है। धन्यवाद। साई ने कहा था सूर्यास्त तक पहुंचने के लिए, मुझे देर हो गई है। मेरे हाथ को क्या हो गया? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूं? कोई है? कोई है? क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए, 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 मैं कहता हूं छोड़िए। क्या हो गया था आपको? ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। भगवान, मधुर, माधव। हाँ मधुर, सालों बाद मिले। ये क्या करने जा रहे थे तुम? आप ही नहीं जानते हैं? हाँ वही नहीं, हम दोनों बचपन में साथ थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। अरसा हो गया मिले हुए। मधुर, ऐसा क्या हो गया तू? तू ये क्या कर रहा था और क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई? माधव, ये मेरी बेटी है,
जिसकी कुछ ही दिन पहले सगाई हुई थी और कल उसकी शादी टूट गई, मेरी नौकरी चली गई, मुझ पर किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया, मुझ पर केस चल रहा है। माधव, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं जीने के लायक नहीं हूं। मैंने नहीं बचाया तुम्हें, साई ने बचाया है। साई बाबा शिरडी वाले, उन्होंने भेजा मुझे तेरे पास ये कहकर के इस पते पर जल्द से जल्द पहुंचो, किसी को तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे समझ आ रहा है कि इसके पीछे साई का क्या मतलब था। मैं कब से कोशिश कर रहा था अपनी नस काटने की, लेकिन मेरे हाथ हिले ही नहीं और ऐसे लगने लगा कि कोई रस्सी से मेरा हाथ खींच रहा हो। मेरे साई के अलावा कौन हो सकता है? ये सब उन्हीं का चमत्कार है। ये वही है ना, कंधे पे झोला, सफेद कपड़े पहनते हैं, हाथ में चिमटा, वही है ना? हाँ वही, नहीं वही है मेरे साई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब साई चमत्कार से मधुर को बचा सकते थे तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा? वो यहाँ भी आए थे, उन्होंने मुझे इनका साथ देने के लिए कहा, इनका ध्यान रखने के लिए कहा, कहा जब कुछ ना सूझे तो इनके साथ शिरडी चले आना। वो इन्हें भी मिले थे, इन्हें भी शिरडी आने के लिए कहा था। तो साई जानते थे कि हम दोनों पुराने दोस्त हैं, इसीलिए साई ने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों को शिरडी लाने के लिए। मधुर, साई कभी कुछ भी ना तो अकारण कहते हैं ना ही करते हैं। अगर उन्होंने तुमसे कहा है शिरडी आने के लिए तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा। मुझे लगता है आपको शिरडी जाना चाहिए। साई ने बार बार हमें सचेत किया था, हमारी मदद के लिए इन्हें भेजा। माधव, सबको साथ ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इन्हें अकेले छोड़कर जा नहीं सकता। दुनिया से जाने की तैयारी तो कर बैठे थे, कुछ दिन शिरडी चल के तो रह सकते हो। मेरी मानो, सब अच्छा हो। ठीक, साई ने वहीनी के लिए कुछ भेजा है। ये लीजिए। इसमें क्या है? एक एक मुट्ठी अनाज। ये कैसा मजाक किया है तुम्हारे साई ने? साई का आशीर्वाद समझ के ही रख लो।
का दो साई मोरी पार, थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता अब भी नहीं समझे तो मेरे साई की महिमा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे परिवार को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए अनाज का भी इंतजाम कर दिया है साई ने। अब तुम निश्चित होकर चल सकते हो। बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बाबा, मैं यहां और कब तक रहूंगा? पाटिल जी के घर में मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी यादों के साथ जीना चाहता हूं साई। मैं ठीक नहीं. अजीब बात है, अभी भी ठीक नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं साहिब आप? शिशुपाल, इस पानी में मिट्टी गिर गई थी तो मैं इसे अलग अलग जगह रख के देख रहा हूं ताकि पानी साफ हो जाए। बाबा, जगह बदलने से पानी से मिट्टी कैसे निकलेगी? उसके लिए तो बर्तन को स्थिर रखना पड़ेगा ना, ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए और साफ पानी ऊपर आ जाए। यही तो तुम्हें भी समझना है शिशुपाल, ये बर्तन तुम्हारा मन है, ये पानी मतलब तुम्हारे परिवार की यादें, और ये मिट्टी नकारात्मक विचार। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे परिवार की यादें तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन उन यादों में नकारात्मक विचार भी खुले रहेंगे। और तुम शिरडी में रहो चाहे अपने घर, तुम्हारा मन कभी साफ नहीं होगा। तुम्हें भी अपने नकारात्मक विचारों को छान के हटाना होगा शिशुपाल, और जब तक वो नहीं होता तुम्हें यहीं रहना होगा। साहिब, मैं यहां रहकर क्या करूंगा? गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो अचार बनाओ। अचार? हर साल तुम्हारे घर में अचार बनता था ना शिशुपाल, और तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद था, इस बार नहीं बनाओगे? अब तो अचार बनाने वाली भी नहीं रही और खाने वाला भी नहीं रहा, क्या करूंगा मैं इस अचार का? सकारात्मक सोच शिशुपाल, बनाने वाली नहीं रही तो क्या हुआ, बनाने वाले तुम तो, तुम्हें भी तो आता है, तो इस बार तुम बनाओ। शिशुपाल, तुम्हारी पत्नी की जो प्रथा है उसे चलाते रहो, बाकी अल्लाह माले। ठीक सही।
पाटिल जी, इतनी सारी कैरियों का क्या बना रहे हैं? आम पन्ना बना रहा हूं। पन्ना? इतनी कैरियों में तो कई मटके भर के पन्ना बन जाएगा। पूरे गांव वालों को लाने की सोच रहे हैं क्या आप? ऐसी बात नहीं है, पास ही के गांव में एक अनाथालय है, हर साल गर्मियों में मैं उन बच्चों के लिए आम पन्ना बना कर ले जाता हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन पाटिल जी, आप खुद बीमार हैं, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप? ना कैरी भागी जा रही है और ना गर्मी का मौसम। लेकिन वो बच्चे तो उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, उनका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। तो किसी और को पैसे देकर बनवा लीजिए और भिजवा दीजिए, आप खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? शिशुपाल जी, धन की बात नहीं है, साईं कहते हैं धन के साथ अगर परिश्रम जुड़ जाए तो दान सच में शुभ हो जाता है। रही बात थकान की, वो तो बच्चों की मुस्कुराहट देखकर दूर हो जाएगी। एक प्रथा है शिशुपाल जी, जिसे कभी टूटने नहीं दिया। कितना नेक और ईमानदार चरित्र है आपका, दिल से भी इज्जत निकलती है आपकी। क्या हुआ शिशुपाल जी, कहाँ जा रहे हैं? ऐसा मत करिए, मेरा इस रेलगाड़ी से यात्रा करना बहुत जरूरी है डीसी बाबू। ये क्या बदतमीजी है? जो पाप तूने किया है ना, उसकी सजा है ये। पागल हो क्या? कौन हो तुम? तुम मुझे भूल जाओ डीसी बाबू, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन गया। सब खो दिया मैंने सिर्फ तेरी वजह से। तू इंसान नहीं, राक्षस है राक्षस। इससे पहले कि अनर्थ हो जाए मेरे हाथ से, चला जाए यहां से। क्यों आया यहां पे? किसने बुलाया तुझे? शिशुपाल जी, संभालिए मुझे। शिशुपाल जी, शांत हो जाइए, क्या हो गया आपको? संभालिए खुद को, बोलो किसने बुलाया है? इसे मैंने बुलाया है। साईं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं ना कि इसने मेरे साथ क्या किया, फिर भी आपने इसे यहां बुलाया? शिशुपाल, सब जान के ही मैंने मधुर को यहां बुलाया है, क्योंकि हर कड़ी को जोड़कर ही सबकी परेशानियां दूर होंगी। हर किसी को जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारी तकलीफ का हिसाब देना होगा, तभी उनके कर्म भी ठीक होंगे और तभी तुम्हारे जीवन में भी शांति आएगी। मधुर, तुम मेरे साथ चलो। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.